अगर मुझे भेजना है तो मुझे दिल्ली एम्स भेजा जाए, मेरा इलाज दिल्ली एम्स में हो, पटना में मुझे भेजा जाए, उसकी चिंता नहीं है। पत्रकार नहीं आप लोग हटे, पत्रकार नहीं आप लोग हटे, पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जारी सियासी बवाल फिलहाल थमने वाला नहीं है। एक तरफ अचानक गिरफ्तारी के बाद नीति सरकार के दामन दागदार हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव की आशंकाओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जेल में तबियत बिगड़ने के बाद दरभंगा के डीएमसीएच भेजे गए पप्पू यादव को पटना रेफर करने का फैसला लिया गया। मेडिकल बोर्ड ने पटना के आईजीआईसी में उन्हें बेहतर इलाज के लिए भेजने का फैसला लिया, लेकिन पप्पू यादव इस फैसले के खिलाफ हो गए। बकायदा उन्होंने डीएमसीएच के अधीक्षक को एक पत्र लिखकर इस फैसले का विरोध किया, लिहाजा आखिर में इस फैसले पर रोक लग गई। फिलहाल पप्पू यादव का इलाज डीएमसीएच में ही होगा। हालांकि डीएमसीएच ने ये साफ कर दिया है कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना ही भेजा जाएगा। रिपब्लिका न्यूज पटना। अगर मुझे भेजना है तो मुझे दिल्ली एम्स भेजा जाए, मेरा इलाज दिल्ली एम्स में हो, पटना में मुझे भेजा जाए, उसकी चिंता पत्रकार नहीं आप लोग हटे, पत्रकार नहीं आप लोग हटे, थोड़ा दूरी बनाइए। अरे अपने नेता से थोड़ा दूरी बनाइए, जाने में ठीक रहेगा।
सार थोड़ा दूरी दूरी कहीं बनाते हुए थोड़ा दूरी बनाते हुए भैया थोड़ा दूरी भारत आपके हाथ में करता है।
जनता होते हैं उनके साथ करता हूँ, उनसे आग्रह करता है ये जितने आप पूरी रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।